राधे राधे दोस्तों, वृंदावन धाम में प्रेम मंदिर में आपका स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, मैं आपको आज एक बहुत ही बढ़िया मंदिर घुमाने वाला हूँ। वृंदावन का सबसे सुंदर मंदिर कहा जाता है इस मंदिर को, और ये मंदिर है प्रेम मंदिर। अभी आपको पीछे मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, ये मैं आपको शाम का व्यू दिखा रहा हूँ इस मंदिर का। यही मंदिर मैं आपको दिन के टाइम पर भी दिखाऊँगा। ये मंदिर बनाया गया था वृंदावन में कृपालु जी महाराज के द्वारा, और इस मंदिर की जो खासियत है वो ये है कि इटालियन मार्बल को इम्पोर्ट करके फिर बनाया गया है, और दिन में बिल्कुल वाइट दिखता है और वो भी बहुत खूबसूरत होता है। शाम के टाइम पे अंडर डिफरेंट लाइट्स, डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइट, लाइट की बात करें तो रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ऐसे बहुत सारे लाइट होते हैं जिसमें ये मंदिर चार चांद भी घेर देता है यहाँ पे। इसके अलावा इस मंदिर के चारों ओर आपको गजब का पार्क मिलेगा। मतलब आपको पार्क में जो प्रदर्शित किया गया है श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का, वो चाहे उनके बचपन का हो या उनके किशोरावस्था का हो, रासलीला का हो, बाल ग्वालाओं के साथ का हो, गोपियों के साथ हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं मूर्ति रूप में। तो आपको लगेगा जैसे सब कुछ जो है बिल्कुल जीवंत हो उठा है, बिल्कुल जाग चुका है, ऐसा लगेगा। तो बहुत ही सुंदर है मंदिर। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पे जब एंटर करेंगे तो कैसा माहौल होगा, कितनी भीड़ होगी यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मंदिर के चारों ओर की चक्कर भी लगाऊंगा मैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, और आप राधे राधे के इस आवाज़ के साथ आप इस पूरे वीडियो को एंजॉय कीजिए, इस जगह को भी एंजॉय कीजिए। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा इसमें, ये मंदिर इतनी बड़ी है कि इसको घूमने में लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। आप अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, और बहुत ही पॉजिटिव आपको वाइब आएगी इस पूरे जगह में। साथ ही साथ यहाँ पे एक म्यूजिकल फाउंटेन भी होने वाला है, वो लगभग शाम को 7 बजे अरेंज किया जाता है इसी जगह पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर हुई तो मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। और यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ की आप मत पूछिए, लेकिन यहाँ पे कम लग रहा है क्योंकि मंदिर का जो प्रांगण है, मंदिर का जो कैंपस है, कंपाउंड, वो काफ़ी बड़ा है। तो जो भीड़ है वो स्कैटर्ड हो गया है, बिखर चुका है, अदरवाइज भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब हम लोग ये प्रेम मंदिर पहुँच गए हैं, यहाँ पे भी काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है। तो अभी दिन में तो ये वाइट संगमरमर की ये जो मंदिर है काफ़ी सुंदर दिखती है, लेकिन रात में लाइट से भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ये बिल्कुल मेन रोड पे ही है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से चारों ओर का ये पब्लिक की रश। हम लोग अंदर एंटर हो रहे हैं यहाँ से, ये इसका मेन मुख्य दरवाज़ा। दरवाजे के पास काफ़ी रश है, अंदर जाके ये भीड़ थोड़ी छट जाएगी, ये स्कैटर्ड हो जाएगी। अंदर काफ़ी जगह है, स्पेशस है। एंटर करते ही ये व्यू आ रहा है इस मंदिर का, बिल्कुल वाइट संगमरमर में, बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर। भीड़ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अंदर जैसा मैंने बताया आपको कि काफ़ी स्पेस है, तो स्पेशस होने के कारण काफ़ी लोग यहाँ पर एडजस्ट हो गए हैं। तो धक्का मुक्की तो नहीं है, लेकिन भीड़ में भी कोई कमी नहीं है। तभी तो मैं आपको ये शाम का व्यू दिखा रहा हूँ, जस्ट डे लाइट में ही, दिन की रोशनी में ही। अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे बाद ये लाइट्स, एलईडी लाइट्स वगैरह में आ जाएगी, तो उस समय इसका रंग भी अलग अलग चेंज होता रहेगा, तो उस समय भी गजब का व्यू लगता है। ये बहुत अच्छा व्यू आता है उस समय, शानदार व्यू। मंदिर के जस्ट एंट्रेंस में ही, प्रवेश पे ही, ये जय श्री कृष्णा ये लिखा हुआ, और ये देखिए कालिया नाग के ऊपर श्री कृष्ण भगवान नृत्य करते हुए, तो ये चीज़ मिल जाती है स्टार्टिंग में ही। बहुत ही भव्य और सुंदर लग रहा है ये। यहाँ से प्रेम मंदिर देखिए, धीरे धीरे लाइट्स भी अपना इफेक्ट देना शुरू कर रहा है। और इस मंदिर को बनाने में जो मेन योगदान है वो है बाबा जगत गुरु कृपालु जी महाराज का, उन्होंने इस मंदिर को एस्टैब्लिश किया था यहाँ।
नहीं, मैं लेके चलूँगा। कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, गोवर्धन पर्वत वगैरह भी है यहाँ पे। इस मंदिर को बहुत ही सुंदर और रमणीक बनाया हुआ है। एक बार लाइट से मैं आपको यहाँ पे पीछे भी दिखा देता हूँ। हालांकि अभी पूरी ये लाइट सभी यहाँ पे अभी नहीं जली हुई है, ऑन नहीं किया गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे अभी ये अंधेरा छाएगा यहाँ पे, इसकी लाइट भी एक अलग छटा बिखेरेगी। तो हम मंदिर के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं हम लोग, और देखिए लाइट्स भी चेंज होने लगा है। यहाँ से ये चारों ओर ही रास्ता बनाया गया है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी। चारों ओर से घूम के आप इस मंदिर का व्यू ले सकते हैं। अंदर ही मैं आपको लेके चलूँगा अगर अलाउड हुआ कैमरा तो। एक बार तो चारों ओर घूम लेते हैं हम लोग। देखिए अभी ये ग्रीन लाइट में आ गया, बीच में ये पिंक लाइट में, बहुत ही सुंदर दिखता हुआ ये प्रेम मंदिर। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत ही उत्साह लोगों में है। वृंदावन की पावन धरती पे आकर मन वैसे भी गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो प्रसन्नता सबके चेहरे पे दिख रही है। अब ये ग्रीन से देखिए ब्लू हो गया, और जहाँ पे पिंक था वो फिर ब्लू और ग्रीन ऐसे होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। एक बार मैं आपको यहाँ से ये कालिया नाग वाला जो एरिया है, ये श्री कृष्ण वाला, ये दिखाता हूँ। वाह, क्या सुंदर मनोरम दृश्य है यहाँ से। अभी हम लोग मंदिर के ये बैक साइड की ओर जा रहे हैं। देखिए यहाँ से भी काफ़ी खूबसूरत व्यू आते हुए इस पूरे मंदिर का, प्रेम मंदिर का। सचमुच बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। मेन इस मंदिर को देखने का जो मज़ा है, या यूँ कहें खूबसूरती निहारने का जो इसको बड़ा मन लुभावन जो टाइम होता है, वो होता है शाम का ही। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं शाम के टाइम पे ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन दिन में भी इसकी खूबसूरती कम नहीं होती वैसे। लेकिन इसके लाइट्स में जो अलग अलग लाइट्स इसमें आते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट और इसका जो ब्यूटी है, सुंदरता इस मंदिर की, वो अलग अलग हो जाती है। निराला अंदाज है इस मंदिर का। देखिए सामने सामने से लाइट बदलता हुआ, कभी रेड, कभी ऑरेंज, कभी ग्रीन, कभी ब्लू। अभी हम लोग प्रेम मंदिर के बिल्कुल पीछे आ गए हैं, और यहाँ पे बड़ा अच्छा पार्क बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे देखिए कितने नेचुरल फ्लावर्स, माय गॉड, डालिया से लेके ये हैसिंथ और ये सब पॉइंसेतिया वगैरह, ये पिटूनिया वगैरह, बहुत सारे फ्लावर्स, ये डॉग फ्लावर वगैरह, न्यूमरस यहाँ पे फ्लावर वगैरह लगाए गए हैं। राधा कृष्ण की ये चोड़ी बिल्कुल बीच में, और ये गाय चराते हुए बहुत सारे ये गोपी लड़के हैं, बाल ग्वाल सब। यहाँ से पूरा प्रेम मंदिर का प्रांगण ये श्रद्धालुओं से भरा हुआ, लेकिन सुंदरता भी गजब। हर तरफ ऐसा लग रहा है यहाँ पे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन है, वो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से किया गया है, उसका चित्रण किया गया है, मूर्तियाँ बना बना के, झांकियाँ बना बना के, फ्लावर्स के साथ पार्क को भी सजाया गया है। यहाँ पे 2024 न्यू ईयर का भी स्वागत किया जा रहा है, बिल्कुल फ्लावर के अंदाज में, ये नेचुरल फूलों से ये बनाया गया है। ये देखिए, वाह, बहुत सुंदर। हैप्पी भक्ति दिवस यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अभी थोड़ा आपको सामने से दिखाऊंगा। हैप्पी भक्ति दिवस, वाह।
बहुत ही सुंदर शाम का माहौल है यहाँ पे, पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। वाह, जय राधे राधे, और जयकारा भी चल रहा है लोगों का यहाँ पे। यहाँ पे श्री कृष्ण जी का रासलीला का चित्रण किया गया है मूर्ति स्वरूप में, एक में श्री कृष्ण और दूसरे में गोपियाँ हैं ये वृंदावन की, और उन सबके साथ ये रास रचा रहे हैं वृंदावन में, ये उसका चित्रण किया गया है। इधर कैंटीन भी दिख रहा है, अभी आगे भी कुछ है, वो वहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन के साथ गीता के उपदेश वाले के टाइम का रथ के साथ वो भी आगे है, वो भी मैं दिखाऊंगा नज़दीक से, और थोड़ा भी आपको उधर भी लेके चलूंगा मैं। ये श्री कृष्ण जब अर्जुन के साथ हैं धर्म की लड़ाई के टाइम पे, महाभारत काल के ये चित्रण की गई है भाई। यहाँ से ही प्रेम मंदिर का खूबसूरत व्यू, ये नंदगांव की तस्वीर पेश की गई है। यहाँ पे है फाउंटेन, एक शायद म्यूजिकल फाउंटेन भी होना है 7 PM पे, 7 बजे, अभी तो 6:30 हुए हैं, लगभग आधे घंटे के बाद होंगे, तो अगर हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ से देखिए अभी ये प्रेम मंदिर तो अलग लाइटिंग में बिल्कुल डिफरेंट नज़र आते हुए, बहुत ही सुंदर दिखते हुए। अभी प्रेम मंदिर को मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, सामने से देखिए ये क्या गजब का खूबसूरती, गजब की खूबसूरती है इस मंदिर की, बिल्कुल सामने से। वाह, लाइट्स का इफेक्ट और वाइट संगमरमर, वाइट मार्बल के ऊपर इफेक्ट गजब का दिख रहा है। काफ़ी भीड़ अंदर, अंदर भी काफ़ी सुंदर है मंदिर, जितना बाहर से सुंदर है उतना ही अंदर भी सुंदर है। मंदिर के अंदर बहुत ही भीड़, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। वाह, यहाँ से देखिए ये युगल जोड़ी है श्री कृष्ण और राधा की, बहुत ही सुंदर जोड़ी। यहाँ पे ये बीचों बीच शैंडेलियर देखिए, ये क्या गजब का खूबसूरत शैंडेलियर है ये। वाह, बहुत ही खूबसूरत मंदिर। चलिए बाहर चलते हैं, आप चाहे तो ये प्रथम तल पे भी जा सकते हैं, यहाँ से एंट्री है ऊपर जाने के लिए, काफ़ी भीड़ है तो अब मैं तो बाहर ही चल रहा हूँ। यहाँ से देखिए विहंगम दृश्य, ये लगता है उनका साजो सज्जा निकला है श्री कृष्ण और राधा जी का, भक्तगण झूमते हुए। वाह, क्या नज़ारे हैं सच। लोग मस्ती में झूमते हुए, राधे राधे कृष्ण की मस्ती में। यहाँ पे शुरुआत हो गई है म्यूजिकल फाउंटेन की, ये देखिए। वाह,
राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे। राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे। श्याम भाजे चले आएंगे। या तम के सुख में सुख पाएंगे। शो के बाद ये एग्जिट के पास ही गोवर्धन का सच्चरित्र चित्रण किया गया है, बिल्कुल सजीव। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे चित्रण किया गया है। गोवर्धन पर्वत जिस टाइम पे इंद्र भगवान ने, जब ज़्यादा बारिश की थी इंद्र भगवान ने, उस समय का है ये। और तब गोवर्धन को ये कृष्ण ने जो है ये अपने हाथ की उंगली पे उठा लिया था। फिर उन्होंने कितना भी बारिश बरसाया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, पूरे गोकुल और नंदगांव का कुछ नहीं हुआ था। ये उसी टाइम का सजीव चित्रण है ये। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप घूमते रहें, एंजॉय करते रहें। राधे राधे दोस्तों।